नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आकृति। इस वीडियो में मैं आपको चौली भाजी कैसे उगाए जाते हैं, कैसे इसकी मिट्टी तैयार की जाती है, क्या खाद मैं इस प्लांट को देती हूँ और किस अंतराल में इसे पानी देना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। और फ्यूचर के लिए इसके सीड्स को कैसे स्टोर किया जाए वो भी मैं बताऊँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक और प्लांट दिखा देती हूँ जिसकी कटिंग मैं ये थर्ड टाइम तीसरी बार कर रही हूँ, मालाबार स्पिनिच की। और आप देख सकते हैं कि ये गमले में ही कितना खूबसूरत है, तीसरी बार इसकी कटिंग कर रही हूँ मैं। और देखिए कितने सारे पत्तियाँ, कितनी फ्रेश पत्तियाँ, और पत्तियों के साइज़ भी कितनी बड़ी है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। इस मालाबार स्पिनिच के ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। चलिए फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चौली भाजी के बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। इस प्लांट को या इस भाजी को इंग्लिश में एमरेंथस प्लांट के नाम से जाना जाता है, पर आम भाषा में इसे चौली की साग या चौली सीक के नाम से पुकारते हैं। ये प्लांट मैंने किस तरह ग्रो किया ये मैं बताती हूँ। इस प्लांट को मैं सबसे पहले मार्केट से लेकर आई थी, उसमें जो चौली भाजी थे उसमें कुछ जो प्लांट थे उसमें सीड्स लगे हुए थे, उस प्लांट को मैंने साइड में रख दिया। और जब सूख गए वो सीड्स तो मैंने सारे गमले में, एक दो गमले में छिड़क दिए। और जिस तरह सभी प्लांट को मैं पानी देती थी, इस प्लांट को भी देते गई और धीरे धीरे इसकी ग्रोथ हो गई। इसे लगाना बहुत ही आसान है, आप क्या करें, एक चाहे तो आप पॉली बैग का यूज़ कर सकते हैं। मैं तो अभी छोटे से गमले में ही मैं लगाई, फिर भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरह से ग्रो हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपको चौली भाजी मिले तो आप इसे बड़ा पॉट दें, या फिर कोई प्लास्टिक की जो बोरी आती है उसमें भी मिट्टी भर करके आप लगा सकते हैं। मेरे पास तो छोटे से स्पेस हैं तो मैंने इसे छोटे से गमले में ही लगाया। ये प्लांट, ये चौली भाजी बहुत ही हेल्दी है, स्पेशली इसमें कैल्शियम, आयरन और बहुत तरह के विटामिन्स, फॉलिक एसिड इसमें पाए जाते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए जिन्हें खून की कमी है तो उन्हें ये ज़रूर देना चाहिए, बहुत ही बढ़िया सब्जी इसकी बनती है। एक तरह से कहा जाए तो ये भाजी जो है, ये जो साग है, ये गुणों का भंडार है। इसे कोई ज़्यादा स्पेशल मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने डायरेक्ट मैंने गार्डन सॉइल में लगाया है। बस इसे बीच बीच में 15 दिन में वही लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। वैसे इसको फर्टिलाइज़र की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही हार्डी प्लांट है। बट आप इसे 15 दिन में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए, बहुत ही अच्छा, केमिकल बिल्कुल यूज़ ना करें। थोड़े ही दिन में, 20 से 25 दिन में आपको बहुत ही आसानी से आपको बड़े बड़े चौली भाजी देखने को मिल जाएंगे। इसको आप फुल सनलाइट में रखें, सनलाइट जितना 6 से 7 घंटे या कम से कम 5 से 6 घंटे मिलेंगे तो बहुत ही बढ़िया इसकी ग्रोथ होगी। पानी हमेशा इसे रेगुलर चाहिए, मिट्टी ज़्यादा सूखने ना दें। जैसे ही ऊपर सूखे नज़र आए आप पानी ज़रूर डाल दें। ये सब्जी, ये जो साग है, ये लाल रंग के इसमें भी आती है, ग्रीन कलर वाला पत्तियों वाली साग है। घना बनाने के लिए आप क्या करें, ऊपर से पिंचिंग करते रहे, जैसे ही थोड़ा बड़ा हो ऊपर से आप कट करके यूज़ कर सकते हैं, नीचे से नए ग्रोथ हो जाएंगे। अगर आप नहीं कट करेंगे तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसे मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था क्योंकि मुझे इससे सीड थोड़े स्टोर करके रखने थे, जो दूसरे गमले में आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर थोड़े आगे सीजन के लिए आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। मेरे इसी गमले में आप देख सकते हैं कॉक्सकॉम का भी प्लांट उग गया है, इस पर भी वीडियो अवेलेबल है ये फ्लावर पे। ये देखिए दोनों पत्तियां एक जैसे हैं, पर ये फ्लावर की पत्तियां ध्यान से कट करें अगर आपके गमले में इस तरीके से दोनों एक साथ ग्रो हो गए हैं तो। कटिंग करने का तरीका बहुत ही आसान है, नीचे से 2 से 3 इंच छोड़ करके आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो आपने देखा कितने बहुत ही कम मेहनत में आप कितना प्यारा ये चौली भाजी घर पर ग्रो कर सकते हैं। मार्केट से आप इससे ज़्यादा ला सकते हैं, लेकिन आप अपने हाथों से जब ग्रो करेंगे तो सबसे पहले तो वो ऑर्गेनिक रहेंगे और जो अपने हाथों से ग्रो किया उसकी खुशी ही अलग होती है। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो, मेरी मेहनत अगर आपको इसमें दिख रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और मैं आगे किस प्लांट के बारे में वीडियो लेकर आऊँ। और इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर पूछें, बहुत ही मैं जवाब भी दूंगी। और ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है, आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाएं।
इसकी रेसिपी बनाना भी बहुत ही आसान है। आप चाहें तो इसके में थोड़ा सा चना दाल या चना डाल करके आप ऐसे ही फ्राई करके आप बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी प्लांट है ये। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी गार्डनिंग।